बहुत बढ़िया, बहुत एकदम, मैं बहुत आपको एग्जांपल देता हूँ, हाँ, एकदम रेलेवेंट बात बोली है। एक ही मुझे पता है कि आपके गुस्से का मतलब क्या है, आपके गुस्से का अर्थ क्या है, क्यों इतना ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मैच्योर हो सेवा के लिए और ऐसे कंडीशन को कैसे सुधारा जाए।
तो इसमें सबसे पहले सर्विस की क्वालिटी और बिहेवियरल अप्रोच के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? हर हॉस्पिटल में ये लिस्ट लगवाई जाए कि डॉक्टर का बिहेवियर क्या हो, कर्तव्य क्या हो, और अगर बिहेवियर और कर्तव्य उस लेवल पे नहीं पाया जाता है तो आप कंप्लेंट कहां करें? ये है ही किसी हॉस्पिटल में आप नहीं देखो। एकदम रेलेवेंट बात बोली है एक, मुझे पता है कि आपके गुस्से का मतलब क्या है, आपके गुस्से का अर्थ क्या है, क्यों इतना ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। एकदम रेलेवेंट बात बोली है एक, मुझे पता है कि आपके गुस्से का मतलब क्या है, आपके गुस्से का अर्थ क्या है, क्यों इतना ज्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। और इस तरह से मुझे अनिल एके जी की सारी बात मुझे ठीक लगी, लेकिन एक बात पर मुझे आपत्ति है। आप चैनल पर बैठकर आप किसी को कह दीजिए कि नीचे से ऊपर तक नेताओं के महीने बचे हुए हैं, शर्म नहीं आती कहते हुए। अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रूफ है तो आपको सामने रखना चाहिए, लेकिन आप सारे नेताओं को एक लाइन में खड़े करने के पहले आपको सोचना चाहिए। आप सिर्फ टीवी पर बैठकर इस तरह का उपदेश नहीं सर, मुक्त कर दें नेताओं को सारे आरोपों से, मुक्त कर दें। राशिद जी आपके सवाल पर मिश्रा जी आप अपने समय पर बोलिएगा, अपने समय पर नहीं, जनता को आप नहीं बोल सकते हो। आप अपने समय पे बोलिए, बीच में बोला नहीं बोलेगी जनता तो कब बोलेगी ठाकुर साहब। मैंने आपके बीच में बोला नहीं बोलेगी, मैंने आपके बीच में बोलेंगे बीच में आपको राशिद जी रोक रोकेंगे आपको बीच में, आप जनता नहीं बोलेगी तो कब बोलेगी? इनको सुना ठीक है, कौन होते हैं आप सारे नेताओं को? आप सर ये मत बोलिए कौन होते हैं। हाँ ठीक है, क्या रुक जाइए, हम कौन होते हैं ना, ये चुनाव के पहले आपको पता था, हाथ जोड़ के ये बीजेपी के लोग आम आदमी के बोलने के लिए, ये किसी की अभिव्यक्ति के साथ बोलिए वो ज्यादा अच्छा ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं नहीं चौधरी आप जाइए, चौधरी आप जाए, एक धर्मी चौधरी आप जाए, विदेश जी बोलेंगे, मुझे जवाब देंगे, मेरी डिबेट है, मैं सवाल करूंगा, मैं जवाब लूंगा। दिनेश जी हाँ दिनेश ठीक है, दिनेश जी आप जवाब दे दें, आप दोनों रुक जाएं। देखिए राशिद जी, हमने उनके दुख दर्द को समझा। आज उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा 2 लाख आयुष्मान भारत के कार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में बने हैं। आप कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और दूसरी चीज दिनेश जी, 5 साल आपकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, आपने कितने अंक बनवाने का काम किया? तो यही बोल रहे हैं तो हम ही बोल रहे हैं, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए वो लाभ सहूलियत सुविधाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। सीधे सीधे बोलिए। ठीक है दिनेश जी, सरकार फेल है, छोड़ देते हैं कहना कि देवता का दूसरा रूप है डॉक्टर। मैंने कहा कि इतना पैसा खर्च करके डॉक्टर सरकारी सेवा में नहीं आ रहे हैं, और सरकारी डॉक्टरों की संख्या आधी से ज्यादा कम है जितने स्वीकृत पद हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर कम है, मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है, आबादी के हिसाब से दिल्ली समस्याएं पैदा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है, ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। कम इसलिए है सर, डॉक्टर शुक्ला जो घोषणा कर रहे हैं वो पूरा करें। गांव का एक लड़का जब शहर में डॉक्टर बनता है तो वापस गांव नहीं जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। में 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 डॉक्टर है, लखनऊ में केजीएमसी के पास 10,000 डॉक्टर है एक ही जगह। सर क्या आप लोग बोल रहे हैं? आप खुद जाके गांव में आप लोग एमबीबीएस कर लेते हैं एमडी, और गांव की तरफ आपकी ड्यूटी भी अगर कभी लग जाए इमरजेंसी में ना, तो डॉक्टर लोग नाक बहुत सिकोड़ते हैं कि गांव में कौन जाएगा। डॉक्टर की शुक्ला एक बात बताइए, डॉक्टर की शुक्ला एक बात बताइए, मशीनाइज हो गए हैं, डॉक्टर मैनेजमेंट नहीं है सर। डॉक्टर के शुक्ला ये बात बिल्कुल सही है, डॉक्टर्स या डॉक्टर की पढ़ाई या फिर डॉक्टरी पेशे को ज्यादा कमर्शलाइज न करना पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको लगता नहीं कि बिल्कुल मैंडेटरी बना देना चाहिए कि 6 साल आप सिर्फ गांव में जाकर के काम करेंगे, रिमोट लोकेशन में काम करेंगे, एमबीबीएस करने के बाद जो है आप 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ रिमोट लोकेशन में काम करेंगे, आपका पीजी तभी पूरा होगा जब आप गांव में जाकर के काम कर चुके होंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं राशिद आपने सही बोला, इनकी डिग्री तब मिले जब 3 साल पहले गांव में प्रैक्टिस कर ले। कि डॉक्टर इसी कारण से सेवा में नहीं आ रहे हैं, हमें अपने सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, डॉक्टर सेवा में आवे, हमें अपनी शिक्षा को उतनी महंगी है उसको कम करना पड़ेगा। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दिनेश जी शायद आपको करना चाहिए, दिनेश जी शायद आपको जवाब देना चाहिए। डॉक्टर एके शुक्ला का बुनियादी सवाल उठा रहा है, उनका कहना यह है कि डॉक्टरी की पढ़ाई इतनी ज्यादा महंगी है। हाँ दिनेश जी आप जवाब देना चाहिए आपको, शुक्ला जी कह रहा है कि डॉक्टरी की पढ़ाई इतनी ज्यादा महंगी है ना, जी बिल्कुल सुन, इतनी ज्यादा महंगी है कि गांव में डॉक्टर जाता ही नहीं है, डॉक्टर डॉक्टर बनने के बाद दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है,
जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं दो पार्ट है, सुन लीजिए, वहां चला जाता है। हाँ बोले 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 दिनेश जी बोले। इसके देखिए दो पार्ट है, ऐसा नहीं डॉक्टर साहब बैठे वो बेहतर बता पाएंगे। अभी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि आपको पहली पोस्टिंग डॉक्टर बनने के बाद आपको रूरल क्षेत्र में जाकर सेवा देनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या हो रही राशिद जी कि जब उनको रूरल क्षेत्र में भेजा जाता है तो सरकारी नौकरी छोड़कर लोग प्राइवेट उसमें प्रैक्टिस में आ जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में आ जाते हैं। वही तो कंपलसरी हो नहीं है दिनेश जी, वही तो कंपलसरी हो, तीन साल तक करना पड़ेगा। ये पत्रकारिता में भी है राशिद जी, अरे जरा चिल्लाइए मत, बीच में चिल्लाने लगते हैं आप लोग, ये तो पता नहीं क्या है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ और सुनिए, पहले जो MBBS बनते थे जो सेवा की बात होती थी, धोनी आएगी उसकी, सुनिए, पहले जो MBBS बनते थे जो सेवा की बात होती थी, धोनी आएगी उसकी, सुनिए, पहले जो MBBS बनते थे जो सेवा की बात होती थी, धोनी आएगी उसकी, डॉक्टर के अंदर सेवा भाव होता था जब वो डॉक्टर बनना चाहते थे। आज राशिद जी डॉक्टर कौन बन रहा है? जिसके पास पैसा ज्यादा है, जो कंपटीशन में CPMT PMT करके आते थे और वो जाते थे तो सेवा भाव से जाते। सवाल उठा रहे हैं सर आप, ये बोल के PMT नीट करके आ नहीं रहे हैं आप, क्या आप ये बोल के आज डॉक्टर कौन बनना चाहता है जिनके पास पैसा है? लोग हैं तो यानी कि सस्ती जो है चिकित्सा की पढ़ाई आपकी सरकार अवेलेबल नहीं करवा पा रही है। अरे मिश्रा जी जरा सा थोड़ा धैर्य रखना सीखिए, आप ये सवाल हमसे बाद में भी पूछ सकते हैं ना, और यही नहीं हम कह रहे हैं बाद में डिबेट के बाद, हाँ डिबेट के बाद पूछ रहे हैं सवाल। मैं सारे घर जाकर बात कर, आप सारे डॉक्टर को सारे पत्रकार को सारे सारे नेताओं के एक तराजू में मत तौलिए। दिनेश जी अब कैनवास बड़ा हो गया है, दिनेश जी जवाब दीजिए। सिर्फ निवेदन है कि बीच में कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज जो स्वास्थ्य पे खर्चा हो रहा है ये पहले नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्च करें तो उसमें कटौती हो गई। 30 सेकंड समय दीजिएगा, कोई बोलेगा नहीं। हमारी सरकार ने हर जो भी काम कर रही है वो बिल्कुल स्वास्थ्य को ध्यान में रख के कर रही है। आप नंबर एक लीजिए, आज हम शौचालय घर घर शौचालय की बात कर रहे हैं, अगर घर में शौचालय बनेगा तो उसको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि शौचालय बनने के बाद कैसे स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। हम लोगों को गैस चूल्हा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा दे रहे हैं, तो महिलाएं गीली लकड़ी के शौचालय बना बनाती थी, अपनी मांग की होती थी और उनका जरा हमने निवेदन किया था कि 30 सेकंड मत बोलिएगा, मैंने निवेदन किया था 30 सेकंड मत बोलिएगा। हमारी सरकार ने एक काम किया कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कैसे उनकी आंखों की रोशनी बची रहे, कैसे उनके लंग्स सुरक्षित रहे, हमने उनको आवास देने की बात, आज हमने उत्तर प्रदेश में 2 लाख आयुष्मान भारत के कार्ड दिए हैं, किनको दिए हैं। और एक चीज आप अभी एक नेता हमारे कह रहे थे कि हमारे नेता गए थे सरकारी अस्पताल में, मैं आप सारे लोगों को निवेदन करना चाहता हूं अस्पताल देखने ना जाएं, ये दल के नेता अपना इलाज सरकारी अस्पताल में कराना सुनिश्चित करें, शुरू करें, अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराना शुरू करें, स्थिति सुधर जाएगी। सरकार के नेता भी तो ये काम करें दिनेश जी, सरकार के नेता भी तो ये काम करें, आप अपने मंत्रियों को भी तो सरकारी अस्पतालों में भेजिए। 30 सेकंड रुकने की आपके पास, आप अपने मंत्रियों को भी तो सरकारी अस्पताल में भेजने का काम करिए। 30 सेकंड नहीं है क्षमता, आप सबके पास 30 सेकंड की क्षमता नहीं है ना, गलत बयानी करोगे तो जवाब तो मिलेगा, अगर गलत बयानी करोगे तो जवाब तो आपको मिलेगा। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए और सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाए, 30 सेकंड मांगा था ना, और खुद आप खुद ही साहब आप आपसे 30 सेकंड मांगा था, 5 साल दिया है आप, 30 सेकंड की बात कर रहे हैं, 5 साल भी दिया, सारे लोग बीमार हो रहे हैं, 7 साल आप मांगते जा रहे हैं, 7 साल दिया, कभी 30 साल मांगोगे, कभी 30 साल मांगोगे, कभी साल भर मांग लोगे, कभी आप 5 साल मांग लोगे। राम माधव कह रहे थे कि अब हम हटेंगे नहीं कभी पूरा दुनिया से, आप अपने एमएलओ के लिए, आपको नेताओं के लिए, आप सरकार से कराइए ना, बीजेपी के लिए नहीं, सारे नेताओं के लिए होना चाहिए, सारे IAS ऑफिसर के लिए होना चाहिए कि सरकारी, बिल्कुल वही मैं कह रहा था, सरकारी स्कूल में पढ़ो, सरकारी हॉस्पिटल में जाके लाइन में लगकर इलाज करवाओ, न कि एमएलओ में।